ऐसा करो आराम से सो जाना ठीक, हवा ज्यादा ना लगे। बता दो पूर्णांक क्या, पूर्णांक पूर्णांक किसके रूप में नहीं रहता, पट्टा के रूप में। चलिए बता दीजिए शून्य क्या है, धनात्मक ऋणात्मक। चलिए प्लस वाला को क्या बोलेंगे और माइनस वाला को, चलिए आगे बताइएगा। आज पढ़े थे चार वक्त अभी पढ़े थे बोल दो, और ऋणात्मक पूर्णांक सोचो बताइए, और ऋणात्मक पूर्णांक कौन कौन संख्या रहेगा। जीरो और क्या बोलेगा प्लस की माइनस, वीडियो बना रही हूँ प्लस। अब बोल दो इसमें कौन संख्या में रहेगा, लास्ट में दिखाऊंगी मैं आप लोगों को अपना फेस, टेंशन मत लो। एक और बता दो अधनात्मक पूर्णांक। हेलो माइक से डालने में करिए काट के डालने में नहीं डाले इसमें धनात्मक पूर्णांक ना हो। चलो तो रहेगा कोची कोची, अरे अच्छा तो है ऐसे बनना चाहिए वीडियो, तभी तो थोड़ा सर में लगे बढ़िया समझा दे भाई से। और पूछना अच्छा बता दो ये बता दो, ₹50 देतेंगे धनात्मक ऋणात्मक। गाइस अभी हम लोग देखेंगे ₹50 ना देते धनात्मक। गाइस आप लोग दिल थाम के बैठी है, हम लोग देखेंगे। एक और बता दीजिए तो, और ऋणात्मक पूर्णांक का एक बता दो, और ऋणात्मक पूर्णांक का कौन नाम था, इसको कौन नाम पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या का नाम था पूर्ण संख्या। एक कॉपी ले ली सर, चलो और ₹50 ले ली और अरे ऐसी तो लड़की है दे सर कॉपी सर। अच्छा कल पढ़ाई थी भाई ना, कल आए कुछ नहीं पढ़ी थी, कार्बोहाइड्रेट मैं कल समझ आ गई, आज समझ आ गई। अच्छा चलो कोई बात नहीं काट दो।